हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कॉइन से डेकोरेशन की चीजें बनाने वाले हैं। इसमें हम वो कॉइन यूज करेंगे जो अभी चलना बंद हो चुके हैं, जैसे 50 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, जो भी सिक्के जो आपके घर में अवेलेबल हो, उससे आप बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का डिब्बा ले रही हूँ। इसको यहाँ ऊपर निशान लगा रही हूँ स्केच पेन से कट करने के लिए। और देखिए, इसको ऊपर से इस तरह से कट कर लिया है मैंने, और एक सेलो टेप लगा रही हूँ ऊपर, ताकि ऊपर इसकी किनारे स्मूथ हो जाएं। डब्बे के नीचे की साइड से मैं कॉइन लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। ग्लू गन की हेल्प से मैं कॉइन चिपका रही हूँ। एक के पास एक सभी कॉइन इस तरह से एक लाइन में लगा देंगे। ये मैंने 50 पैसे के सिक्के लिए हैं। सेकेंड लाइन में जब हम कॉइन लगाएंगे, तो नीचे के जो दो कॉइन हैं उनके बीच में ऊपर एक कॉइन लगाएंगे। इस तरह से कॉइन एक के बाद एक लगाते जाएंगे, ताकि बीच में कोई गैप नहीं रहे और सभी कॉइन प्रॉपर तरीके से एक के ऊपर एक लग जाएं। इस तरह से पूरे डिब्बे पे हम कॉइन लगाते जाएंगे। आपके पास ग्लू गन नहीं हो तो आप कोई भी फेविक्विक या और भी कुछ यूज कर सकते हैं। ज़्यादा कॉइन नहीं है अगर आपके पास, तो आप छोटा डिब्बा भी यूज कर सकते हैं। कॉइन के अकॉर्डिंग आप अपना कंटेनर यूज करें। देखिए, इस तरह पूरे वॉश पे कॉइन लग गए हैं। एक के बाद एक सभी कॉइन इस तरह से सफाई से आराम से चिपकाएं। कॉइन लगने से डिब्बा बहुत हैवी हो जाता है। अंदर ऊपर की तरफ मैं चारों तरफ ग्लू गन से चिपका रही हूँ। देखिए, हमारा वॉश रेडी हो गया है। आप इसमें फेरी लाइट डाल के लैंप की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। दूसरे DIY के लिए मैंने कांच की बॉटल ली है सॉस की, ये ग्लू लिया है, और ये क्रेप पेपर लिया है। बॉटल के ऊपरी तरफ हम ग्लू अप्लाई कर देंगे और इस पे ये पेपर चिपकाएंगे। आधी बॉटल पे हमने ग्लू अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से, और इस तरह धीरे से इस पेपर को बॉटल पे रख के हल्के हाथों से चिपकाते जाएं। ये पेपर बहुत ही पतला और नाजुक होता है, तो थोड़ा सा भी इसको अगर खींचें करें तो ये फट जाता है। इसलिए आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ग्लू लगाते जाइए और चिपकाते जाइए। पेपर में इस तरह से चिपकाना है कि जो भी इसमें सलवटें आएँ वो आती रहें। सभी पेपर को हम इस तरह से पास में सल ले लेके चिपकाते जाएंगे। मैंने ग्लू में पानी मिला के थोड़ा पतला किया है, ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो सके। नीचे भी हम ग्लू लगा के सामने साम और पेपर को सीधा चिपका देंगे। यहाँ पे हम सल नहीं भरेंगे, एकदम सीधा पेपर यहाँ पे इसके ऊपर लगा देंगे, और फिर से इसके ऊपर ग्लू लगा के हम इस पेपर को भी पूरा अच्छी तरह चारों तरफ से ग्लू लगाते हुए चिपका देंगे। मैंने ये एक जिप ली है, छोटी जिप है ये, इसको भी हम बॉटल पे इस तरह से टेढ़ा रख के चिपका लेंगे। ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपकाते जाएंगे। एक पत्ती के शेप में हम इसको चिपकाएंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो, तो आप इसको अपने पुराने कपड़ों में से भी निकाल सकती हैं। इसको साइड के किनारों में ही ग्लू लगाते हुए हल्का हल्का चिपकाना है। फिर इसके अंदर हम कॉइन चिपकाते जाएंगे। अंदर अच्छी तरह से कॉइन को फिट करते हुए दोनों तरफ आप चिपकाते जाइए। इसमें आप छोटे बड़े किसी भी तरह के कॉइन को लगा सकते हैं।
इसमें मैंने 2 रुपए के पुराने कॉइन जो गोल्डन कलर के आते थे वो भी 1-2 इसके अंदर मैंने चिपकाए हैं। हमने जो ये पत्ती का शेप बनाया था जिप का, इसे हम पूरा इस तरह से कॉइन से भरते जाएंगे। अब हम चेन के बाहरी तरफ ग्लू को अप्लाई करते हुए इस कागज को, क्रेप पेपर जो हमने लिया है, उसको चिपकाते जाएंगे। हम पूरी बॉटल में पेपर को सल भरते हुए इस तरह से ग्लू अप्लाई करते जाएंगे और इस कागज में ऐसे सल भरते हुए लगाते जाएंगे। पूरी बोतल पे हमने पेपर को इस तरह से चिपका दिया है, फिर इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। देखिए हमारी बोतल ये सूख गई है। अब मैं इस पे ब्लैक एक्रेलिक कलर अप्लाई करूँगी। पूरी बोतल पे मैं ये कलर लगाऊँगी। मैं कलर को इस तरह से लगा रही हूँ कि जो नीचे ग्रीन कलर का पेपर है वो भी हल्का हल्का सा दिखता रहे। इस कलर में आप मीडियम नहीं मिलाएं, ऐसे ही लगाएं। आप कोई दूसरा कलर पसंद करते हो तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। फिर इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। ये हमारी बॉटल सूख गई है। देखिए इस तरह से इसका लुक आ रहा है ये। और मैं इसमें ये फेविक्रिल का पर्ल कलर यूज़ कर रही हूँ। इस कलर को हम फिंगर से लगाएंगे पूरी बॉटल पे, ऐसे डॉट डॉट करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको चारों तरफ फैला लेंगे। इससे इसका शाइनिंग इफेक्ट आएगा और हमारे कॉइन जो सिल्वर हैं उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा कलर लेके आप पूरी बॉटल पे इस तरह से इसको फैलाते जाएं, फिर इसको आप एक बार वापस सूखने के लिए रख दें। और लास्ट में बॉटल को सीधा रख के आप कैप के तरफ भी इसको दोनों कलर इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। मैंने 2-3 कॉइन पे ये गोल्डन पेंट किया है। सारे कॉइन सिल्वर लगाने पे मुझे इतना अच्छा लुक नहीं लग रहा था, तो मैं कुछ कॉइन को मैंने ये गोल्डन पेंट करके और वहां से वो दूसरे कॉइन हटा के ये गोल्डन कॉइन वहां पे रख रही हूँ। सिल्वर के साथ गोल्डन कॉइन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारी बॉटल रेडी हो चुकी है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।